26/5/2023 को श्री गंगाधर आरोप लेना ने थाना चांट में आकर कंप्लेंट की कि भाई मैंने एक वसीम नाम के लड़के से जो कानपुर का रहने वाला उससे ट्रैक्टर खरीदा था और अब मैं उसे बेचने गया तो मुझे पता चला कि ये वो फर्जी आरसी है ट्रैक्टर किसी और नाम पर। इस संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें 411, 379, 411, 467, 468 ये धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। उस मुकदमे को आगे बढ़ाते दो सीआईए पलवल इंचार्ज श्री इलियास खान ने उनकी टीम ने जब वसीम को राउंड अप किया और उससे पूछताछ करी तो पूछताछ के दौरान वसीम आरो कानपुर से काफी बड़े खुलासे हुए जिन्हों में 3-4 लोग और भी शामिल हैं जो एमपी से हैं, मेवात से भी है और एक मथुरा से लेने वाले वो चारों ये वहाँ से 4-5 स्टेटों में वहाँ मथुरा अपने एमपी और राजस्थान यूपी वो जगह जगह से वो गाड़ियाँ वहाँ उधर से ट्रैक्टर वगैरह चोरी करते थे और वहाँ उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और उसको बेचते थे। वसीम यहाँ बेचता था। किस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते थे? फर्जी डॉक्यूमेंट्स वो वसीम ने जो बताया क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था उसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है वो उनको वो बना कर देता था वो उसके आने के बाद पूरी डिटेल उसमें पता चलेगी। तो उस संबंध में इनसे वसीम से फिलहाल 6 ट्रैक्टर बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने काफ़ी ये ट्रैक्टरों की चोरी की है मध्य प्रदेश मुकदमे हैं इसके वसीम के पास 10 मुकदमे हैं हरियाणा में सोनीपत गोहाना उधर मुकदमे हैं अलग अलग। इसमें वसीम के खिलाफ दर्ज हुआ था लेकिन बाकी खुलासा वसीम के अरेस्ट होने पर रिमांड के दौरान जो उन्होंने बताया तो उसमें काफ़ी बड़े ये पता चला है कि उसके साथी जो और हैं फतेह सिंह और अपने एक एमपी से हैं बाबूलाल जो वहाँ पूरा ये गैंग चला रहे थे पूरा वो उधर ले वो चोरी लेकर वसीम उनसे खरीद लेता फिर उसके बाद आरसी तैयार करता आरसी तैयार करने के बाद पे चोरी कौन बताते हैं ये बाबूलाल और फतेह सिंह वगैरह उसमें बेके हैं वो बातचीत चल रही है काफी बेके हैं इन्होंने उसमें चल रही है कुलेना थंथरी मिर्जापुर इनसे हुआ है थंथरी में नहीं उनको तो ये ओरिजिनल करके दिया गया ना ठगे गए हैं वो तो ओरिजिनल रेट्स में उन्होंने ये बेके हैं इसलिए उनको तो गवाह रहेंगे वो बस आगे की ये अब इनको आज रिमांड अवधि पूरी हो रही है आज उनको पेश करेंगे और उसके बाद इसमें 7 दिन की रिमांड।